व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आपका स्वागत है अंजलि व्लॉग में। तो मेरी आवाज़ पे आप लोग बिल्कुल मत जाइएगा, मेरी आवाज़ बैठ चुकी है, उसको उठाने के लिए मुझे थोड़ा सा गर्म पानी पीना पड़ेगा तो उठ जाएगा। और आज का मौसम सॉरी बहुत अजीब सा आवाज़ हो गया मेरा। तो आज का ये मौसम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ और इस वीडियो में आपको क्या दिखने वाला है मैं पहले ही बता दूँ, टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। किट्टू के लिए कुछ आने वाला है और किट्टू को बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत थी और बहुत खुश हो गई है वो। गांव की क्लिप आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग कैसे जाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या लाते हैं, सब इस ब्लॉग में है तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं शॉप पे। जी हाँ, सस्पेंस बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हमारी फैमिली है तो फैमिली से कितना देर तक सस्पेंस रख सकते हैं हम। तो यहाँ साइकिल लेने आए हैं हम किट्टू का। किट्टू का बहुत दिन से मन था कि हमें साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए, तो मैंने कहा चलो आपको ले आते हैं। तो बस यहाँ साइकिल पसंद की जा रही है। किट्टू को रेड वाला अच्छा लग रहा था बट रेड वाला छोटा था, तो लास्ट में ब्लू वाला हम लोग लेते हैं। और साइकिल हम लोगों ने बुक कर लिया है, इसको घर पे साइकिल वाले भैया ही पहुँचाएँगे। तो यहीं पे हम लोग साइकिल छोड़ के आए हैं यहाँ पे दुर्गा जी का दर्शन करने। बगल में ही दुर्गा जी का पंडाल लगा हुआ था तो हमने कहा कि अगर घर में कुछ आया हुआ है, दुर्गा जी आई हुई हैं, तो दुर्गा जी का दर्शन करना भी बनता है। तो हम लोग यहीं पे आए। इतना सुंदर यहाँ का सजावट था कि मैं क्या ही बोलूँ, मंत्र मुग्ध होने वाला। तो ये है माता रानी वैष्णो माता और ऊपर दुर्गा जी का विशाल काय, इतना अच्छा मतलब प्रतिमा था कि क्या ही बताऊँ। मतलब मैं कुछ शब्द में बयान नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग खुद ही दर्शन कर लीजिए, आप लोग खुद ही बताइए कितना अच्छा लग रहा है इनकी प्रतिमा। और मैं पूजा कर रही हूँ और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम घर। तो यहाँ पे साइकिल वाले भैया खुद लेके आए और पहुँचा दिए। मैं ऑटो करके चली आई थी और उसके बाद ये किट्टू के पापा और किट्टू बाइक से आए थे, उसके बाद ऑटो अरे साइकिल वाले भैया खुद ही छोड़े साइकिल को ला के। और उसके बाद मैं सोची कि अगर घर में दुर्गा जी आई हैं तो इनका पूजा करना भी ज़रूरी है। कोई भी घर में न्यू सामान आता है तो आप लोग पूजा करते हो ना, तो साइकिल का क्यों नहीं करना। तो मैंने सोचा कर दूँ इसका भी टीका। तो बस टीका आरती अगरबत्ती जो भी पूजा पाठ होता है मैंने किया, जो भी प्रोसेस होता है। जैसे घर में गाड़ी आती है, फोर व्हीलर आता है, टू व्हीलर आता है, तो वैसे ये भी टू व्हीलर ही है किट्टू का टू व्हीलर है। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो आप लोग इग्नोर करिएगा। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट यहाँ पे वॉइस ओवर करना ज़रूरी था क्योंकि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही थी। और यहाँ पे मैं टीका करने जा रही हूँ। कहा जाता है कुछ भी नया सामान जब आता है तो स्वस्तिक क्या ओम का एक निशान बनाया जाता है, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। पहले देसी घी से बनाया जाता है, उसके ऊपर सिंदूर से टीका किया जाता है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि आप स्वस्तिक ही बना दो, तो बस वही बन रहा है। और यहाँ पे कुछ लाइट ज़्यादा हो गई है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और कैमरा मतलब मेरे हस्बैंड लिए हुए हैं तो उनसे काफ़ी सेक हो रहा था। तो यहाँ हो गई साइकिल की पूजा, अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही किट्टू को तो सनक लगा था कि मुझे चलाना है साइकिल न्यू वाला, तो उसके पापा ले गए इसको सिखा रहे हैं। तो आप लोग अचानक से मुझे यहाँ देख के सोच रहे होंगे कहाँ आ गई है, तो मैं कुछ देर बाद आती हूँ किट्टू को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि किट्टू को बहुत दिनों से खांसी आ रही थी जो ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा दिखा दूँ इसको। तो हम लोग आए हैं रेलवे हॉस्पिटल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं तो सुविधाएं मिलती हैं रेलवे की तरफ से। तो यहाँ एक बच्चे के डॉक्टर हैं जो बहुत ही अच्छा दवा देते हैं, किट्टू को सूट करता है, तो बस वहीं लेके आई हूँ मैं और उसका दवा लेके चलते हैं घर। तो घर आने के बाद मैं अब रात में वीडियो बना रही हूँ, मतलब ब्लॉगिंग कर रही हूँ, उसके बीच में मैंने नहीं किया हुआ था। तो मैंने खाना ऑर्डर कर लिया, मैं यहाँ पे स्विगी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, ऐड नहीं कर रही हूँ, आप लोग गलत फहमी मत पड़िएगा। तो बस खाना हम लोग ऑर्डर कर लिए हैं, खाने में हम लोग पनीर मखनी मंगाए हैं और तंदूरी रोटी मंगाए थे। तो बस हम लोग डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मॉर्निंग हो चुकी है और किट्टू साइकिल सीख के आ गई है ना। साइकिल सीखा आपने ना, कैसा लगा? अभी सो के उठी हैं, ब्रश की हैं और गई हैं अपनी साइकिल सीखने। तो अभी कुछ टाइम तो लगेगा ही इनको सीखने में, बच्चा है अभी तो शुरू की हैं सीखना, तो मे बी एक हफ्ते 10 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन कैसा लग रहा है किट्टू आपको चला के? बहुत अच्छा। लेकिन बहुत दूर जाना है मुझे साइकिल को लेकर। कहाँ जाओगी, कितना दूर? मॉल। मॉल जाना है? अले अले, आप मॉल भी जा सकते हो, आप अच्छे सीख लोगे ना तो आपको हम स्कूल भेजेंगे। और वो देखो काऊ माता आपको बुला रही हैं।
तो ये तो था मेरा आज का पूरा ब्लॉग। यहाँ पे बहुत काऊ हैं, इधर उधर तो आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा। तो ये था मेरा आज का पूरा ब्लॉग जिसमें मैंने बताया कि किट्टू के लिए क्या आया है। और आपको अगर थोड़ा सा ही पसंद आ जाए अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए, मस्त रहिए। अंजलि सिंह को दीजिए विदा मेरा हीरा।